अगली बार भाई तुम्हारे साथ मम्मी भेजेंगी नहीं दिवाकर भाई कहीं इसके साथ नहीं जाना है। मैं ब्लूम ब्लूम क्या कहते हैं उसे बॉमरिंग बैमरिंग भाई लग रहा है आपकी वजह से बहुत एडिट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ जरा नीचे तक, रूम फाइनल छोड़ दिया, मेरी पैकिंग वैकिंग खत्म हो गई थी सब कुछ और बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैंने सबको बोला कि भाई मैं जरा नीचे तक जा रहा हूँ थोड़ी फोटोज क्लिक करके आता हूँ, तुम लोग जब तक रेडी हो जाओ। तो सब लोग रेडी हो रहे थे, मैंने किसी को बताया नहीं, चुपचाप एक कॉफ़ी लगवा ली और बन मक्खन और जल्दी से खा के वापस पहुंच जाते हैं। अब भाई ये जब ब्लॉग देखो तो काली मत देना के चुपचाप खा के आ गया, बहुत तेज भूख लग रही थी, तुमने सभी आ नहीं रहा था, मुझे अकेले आना पड़ा। रंजू भाई किधर जा रहे हैं अपन भाई? भगवान कसम अभी याद था मुझे पेपर वाली फील आ गई भाई, एग्जामिनेशन में टीचर सामने आ गया ना, ओरल टेस्ट हो रहा है मेरा सब भूल गया, वाइवा चल रहा है, वाइवा चल रहा है भाई। तो भाई बस अब सनसेट के इंतजार है, चलते हैं भाई, मैं तो हो गया हूँ एकदम फुल रेडी, ठीक है चलते हैं अपन जल्दी से। आज अगर पार्टी शार्टी करेंगे ना तो आपको पार्टी शार्टी का भी सीन दिखाएंगे और देखते हैं, हो सकता है अगली बार से पापा फिर पैसे ऐसे देना बंद कर दें, लेकिन कोई बात नहीं। फाइनली अपन पहुंच गए हैं चिरमिरी पॉइंट, ठीक है तो व्यू तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो पहला पॉइंट जो अनिमेश भाई बता रहे थे ना वो चिरमिरी पॉइंट था, थोड़ा समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे, और ये वो ये सनसेट पॉइंट है, ठीक है मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, ये है, ये देखो व्हाट अ व्यू भाई, बहुत सुंदर जगह है। और अनि भाई यहाँ से ऊपर जाना है अपने को? हाँ भाई, मतलब वो बोलते हैं कि वो एक टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहाँ से सनसेट प्रॉपर दिखाई देता है। अच्छा, तो कार की पार्किंग के बाद यहाँ से लोग ट्रैक करके, छोटा सही है बहुत ज्यादा, तो जब लंबा है क्या ये? ना ना बहुत छोटा ट्रैक है। चलो भाई फिर, हाँ लेट्स गो करते हैं। भाई बंदे आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके गोदियों में, एंजॉय मुझे ले लोगे? पद्दी चढ़ जाओ पिट्टू ले लो भाई, पिट्टू मैं आ जाऊंगा क्या भाई मैं दोस्तों? क्या लगता है? लोग सारे आधे ऊपर पहुंच चुके हैं क्योंकि हम थोड़ा सा लेट थे और सनसेट जो है वो ऑलमोस्ट शायद हो ही चुका है, पता नहीं ऊपर मिलेगा नहीं मिलेगा आज भाई, वैसे दिन लेट ही लेट पे चल रहा है एकदम। हाँ भाई, लेकिन मैं प्रंजु भाई आपको एक बात बताता हूँ, वैसे इस पूरे उस पर ना ट्रिप पर मैंने कहीं भी लेट नहीं करा अभी तक टिल पॉइंट, बट हाँ एक खासियत है मैं हर जगह एग्जैक्ट टाइम के कम से कम 20-25 मिनट बहुत पहुँचता हूँ मैं हर जगह लेट होता हूँ, मैंने एग्ज़ाम भी लास्ट 3-4 दिए ना उसमें भी मैं लेट पहुँचा हूँ तो ये तो मेरी क्वालिटी है, बट मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद व्लॉगिंग की वजह से मेरे अंदर ये चेंज आ गई नहीं आ गई है, मैं तैयार था भाई। हाँ 2-3 से मैं सबसे पहले उठ भी रहा हूँ भाई, सबको उठा भी रहा हूँ ब्रेकफास्ट टाइम पे, लेट हो रहा है वो है दिवाकर भाई, हम सारे उठ के तैयार हो रहे होते, दिवाकर लेटा होता सो रहा होता शॉर्ट्स में अपने भाई, बहुत तगड़ा व्यू है यहाँ की। एक और अच्छी बात यह है कि भाई चारों तरफ व्यू है नीचे का सब जगह, और अभी यहाँ पे हो सकता है हम थोड़ा लेट हो गए तो बादल आ जाए बहुत पास में और हमें नीचे बादल दिखे, लेट्स वेट एंड सी, तब तक कुछ अच्छे शॉट्स लेते हैं और मिलते हैं आपसे वहीं। तो भाई अब दोबारा सांस ले लिया, रीच तो हो गई है सांस, क्या हो गया ब्रंजु भाई सब ठीक है? पेट्रोल डलवा 50 रुपये का भाई, बड़ा महंगा है यहाँ पे पेट्रोल तो तो भाई एक्चुअली बंदे ना अपने सारे इधर आगे चले गए थे, अपन दो ही जने रह गए थे क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे ना,
भाई थोड़ी हेल्प कर रहा था, और आइडिया तो भाई के जकास जा रहे हैं। अगली ट्रिप पे सोच रहा हूँ भाई मेरे को थोड़ा डीओपी भाई डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी प्लीज प्लीज मैडी प्लीज यार चलते हैं भाई जल्दी से दिखाते हैं आपको पहुँच गए। पता नहीं कहाँ आ गए भाई साहब, खतरनाक जगह हो रही है ये कतई। ये देखो इतना प्यारा व्यू है, इतना प्यारा व्यू है कि मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ पे ना फोटोग्राफी करने का। मन कर रहा है भाई जितनी देर है उतनी देर से यहाँ की वो ले लो भाई, आंखों से कैप्चर करना चाह रहा हूँ मैं इस जगह को। एक वो हट है हमारे पास और एक हट यहाँ पे है और एक वहाँ सामने का व्यू है। चलते हैं फिर। कहाँ थे बाबा? कहाँ पे भाई? उस जगह देख रहे हो भाई, हमने ना बंदे पहले छोड़ दिए थे भाई, चारों कोनों में निकल जाओ सब बढ़िया व्यू पकड़ लो, वहां से कहां अच्छी आ सकती है। सो फॉलो मी गाइस, चलो भाई। चलो भाई डीओपी भाई कैसी आ रही है? परफेक्ट है, परफेक्ट है। ये हमारे डीओपी भाई डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओह माय गॉड भाई फोटोग्राफी यहाँ वही लेकिन क्रक्स है ये जो बंदा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये वही दिवाकर है जो कि हमेशा हमको हर टाइम मतलब कहीं भी निकल रहे होते हैं, ये सो रहा होता है और हम नहा धोकर तैयार होते हैं भाई। वो सोता इसलिए ताकि मैं एनर्जी ले आऊं, ताकि बाहर जाकर एंजॉय कर सकूं, ताकि हम एनर्जी में सनसेट देख कितना अच्छा देख रहे हैं। सनसेट ना सही, हर माहौल तो वही है ना, वो एडिट करके सूरज उगा देंगे भाई इतनी खतरनाक एडिट मारनी पड़ेगी, सूरज लाना है यहाँ पे सनसेट है भाई भाई व्लॉग में इस वाले व्लॉग में सिर्फ और मैडी के सारे व्लॉग में एक ही चीज़ है, ओरिजिनलिटी। कोई वे कंटेंट नहीं, कोई पहले से मेडअप नहीं है, जो है वो रियल है, रियल टाइम बेसिस पे है। मेन यही बेस्ट चीज़ है। इधर इधर भाई, ओ नाइस भाई, कितना चिल आउट सीन है यहाँ पे भाई साहब। भाई कहाँ खड़े होना है? यहाँ पे भाई, यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ खड़े होगा और यहाँ से देखो भी कैसा आएगा, यहाँ से फोटो खींचेंगे। ऐसे क्यों बोल रहा है मेरे भाई कि यहाँ खड़ा हो जैसे, बोले यहाँ से छलांग मार दे सीधा नीचे जा डायरेक्ट भाई यहाँ से। अगर मैं व्यू तो ले लूंगा, मैं यहाँ चले भी जाऊंगा ना अगली बार भाई, तुम्हारे साथ मम्मी भेजेंगी नहीं दिवाकर भाई, कहीं इसके साथ नहीं जाना है। बहुत ही अच्छा व्यू आएगा, आपकी मम्मी भी कहेंगे कि बेटा कौन सी जगह थी जहाँ हवा इतनी अच्छी चल रही है। मैं ब्लूम ब्लूम क्या कहते हैं उसे, बॉम्बरेंग बैमरेंग भाई लग रहा है आपकी वजह से बहुत एडिट करनी पड़ेगी भाई ये देख लो एक बार दोबारा से, बहुत सेक्सी जगह है ठीक है। तो भाई अब हम जल्दी से अपने शॉट्स ले लेते हैं कुछ, ठीक है भाई, बहुत ज़रूरी है। दिवाकर भाई के हमने सुबह से ढंकी कोई फोटो नहीं खींची है, प्रियांशु भाई और पता नहीं अभी तो दो बंदे मिल ही नहीं रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ क्यों ले रहे हैं के साथ वो सेट हो गए सब हो गया, बहुत फन जगह थी, अच्छा लगा भाई। और इस टाइम पे स्पेशली बहुत अच्छा वेदर वगैरह भी हो रहा है, ठंड लग रही है, मेरी तो नाक बह रही है ठीक है। अपन चारों ने बहुत अच्छी अच्छी फोटोज वगैरह भी ली हैं। तो प्रांशु भाई कह रहे थे कि हमें थोड़ा नीचे तक जाना है, बट अभी पता चला गया हम ऑलमोस्ट पहुँच गए तो खाने आने का जुगाड़ करना भी, किसी से बात बात नहीं करी है, टाइम भी हो गया 8:10, तो अपने को नीचे भी जाना है। तो अब चलते हैं भाई, बस मेरे ख्याल से आज का हमारा दिन यहीं ख़त्म हो जाएगा। बाय बाय।